नमस्कार। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 9 देखते हैं, जिसका नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से सीटी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं हम कर लेते हैं। सबसे पहला, टूरिज्म की जो अपॉर्चुनिटी है, टूरिज्म जो पर्यटन है वो ब्राज़ील में तो ऑलरेडी डेवलप है और भारत में इसमें कई ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो टूरिज्म क्षेत्र में जो ग्रोथ है वो इंडिया में ज़्यादा होने की संभावना है। अब टूरिज्म के कई प्रकार हैं। एक होगा आपका धार्मिक टूरिज्म, जिससे आपने रिलीजियस बोला, यानी धर्म के नाम पे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे किसी दर्शन करना, हज यात्रा करना, चार धाम यात्रा करना, ये सब रिलीजियस टूरिज्म में आता है। फिर आता है हेल्थ टूरिज्म, जैसे अमरीका में, US में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कॉस्टली है, तो ऐसे में वहाँ के लोग क्या करते हैं, भारत आते हैं, भारत में इलाज करवाते हैं, दोबारा जाते हैं, इसके बावजूद भी उनका पैसा बच जाता है। ठीक है, तो ऐसे हेल्थ टूरिज्म, तो इस प्रकार के कई टूरिज्म होते हैं। फिर टूरिज्म जो है एक इनविजिबल ट्रेड है, तो एग्जाम में आ सकता है टूरिज्म किस प्रकार का ट्रेड है, तो चार ऑप्शन में से आंसर होगा इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड यानी अदृश्य व्यापार। अब इसका अर्थ क्या हो गया, व्यापार यानी ट्रेड, ट्रेड उसको कहते हैं जिसमें सामान का लेन देन होगा तो विजिबल, सामान का लेन देन नहीं होगा यानी सेवा की जाएगी तो इनविजिबल। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो कोई सामान नहीं दे रहा है, बस उनकी सेवा कर रहा है, तो ये एक इनविजिबल व्यापार है। लेकिन अगर किराने की दुकान पर जा रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, तो बदले में उतने वैल्यू का सामान ले आ रहे हो, तो वो विजिबल ट्रेड है। जो टूरिज्म है वो इनविजिबल ट्रेड है। फिर टूरिज्म किस प्रकार का ऑक्यूपेशन है, तो टूरिज्म जो आपका है वो टर्शियरी यानी द्वितीय व्यवसाय है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन है। क्लियर। फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में आप चले जाओ और वो डेवलप्ड है या नहीं है उसको पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है, यानी एक इंडिकेटर है। जैसे रेलवे में इंडिकेटर होता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ठीक उसी तरह कोई देश डेवलप्ड है नहीं है उसका इंडिकेटर क्या है, उसका एक इंडिकेटर सबसे बढ़िया है उधर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, वहाँ के यातायात से आप ये बात निश्चित कर सकते हो कि वो क्षेत्र डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि आप गांव में चले जाइए तो वहाँ आपको दिन में 2 या 3 ट्रेन मिल जाएंगी, बाद में ट्रेनें नहीं मिलती हैं पैसेंजर्स की बात करें तो। और बॉम्बे में देखिए हर 2 मिनट 5 मिनट में आपको लोकल ट्रेन मिल जाती है, तो बॉम्बे डेवलप्ड है और जिस क्षेत्र में आपने बात की पैसेंजर ट्रेन की, वो क्षेत्र अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, समझ आ रही है। तो ट्रांसपोर्ट इज अ इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर टाइम की अगर बात की जाए तो देखिए, एक होता है GMT, ग्रीन बीच मेन टाइम, GMT, और जो भारत है इंडिया वो GMT से 5.5 घंटा आगे है, आगे है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, और 5.5 घंटा आगे है। और जो ब्राज़ील है वो GMT से 3 घंटा पीछे है, ना पीछे है, पीछे है, इसके लिए मैंने इसको माइनस लिखा। माइनस का मतलब पीछे और प्लस का मतलब आगे, तो ये माइनस और प्लस GMT के मतलब GMT को रेफरेंस करके बात की जा रही है। आप बताइए कौन सा आगे टाइम है, तो ब्राज़ील आगे कि इंडिया आगे, इंडिया आगे है। कितना आगे है, तो 5.5 और 3 घंटा कितना हो गया, 8.5 घंटा, मतलब इंडिया का टाइम ब्राज़ील के टाइम से 8.5 घंटा आगे है, 8.5 घंटा आगे है। मान लिया जाए अगर हमारे इधर सुबह 8:30 बज रहे हैं, सुबह 8:30 बज रहे तो उनके इधर रात के 12 बज रहे हैं, अगर शाम के 8:30 बजे यानी रात के 8:30 अगर हमारे इधर बज रहे तो दोपहर के 12 बजे होंगे, क्योंकि वो 8:30 घंटा से पीछे है। अब सवाल मन में आता है वो पीछे क्यों है, एक तो GMT की बात मैंने आपको बता दी। अगर हम अर्थ में देखेंगे तो अर्थ का ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, इंडिया कहाँ, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर कहाँ है, 0 डिग्री पे है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो भारत हमारा है वो यहाँ पे लोकेटेड है और जो ब्राज़ील है वो यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे, बराबर। अब अर्थ कैसे घूमता है, अर्थ तो वेस्ट वाला ईस्ट की तरफ जाता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो अगर अर्थ ऐसे जा रहा है तो सबसे पहला इधर सन है, तो सन के सामने सबसे पहला क्या आएगा, इंडिया आएगा ना,
तो इंडिया का समय इसके लिए आगे है और ब्राजील का समय पीछे है। कितना पीछे है? 8.5 घंटा ब्राजील हमसे पीछे है। जीएमटी से कितना पीछे है? 3 घंटा पीछे है ब्राजील। इंडिया जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में टूरिज्म ज़्यादा है। तो ब्राज़ील में टूरिज्म ज़्यादा क्यों है? सबसे पहला वहाँ पे टूरिज्म उसकी बीचेस के वजह से है। बीचेस बोले तो जैसे चौपाटी है ना, वैसा जैसे समुद्र का किनारा। उधर पे एक कैसीनो बीच करके है, प्राए डो कैसीनो ऐसा नाम है। खाली कैसीनो याद रखिए क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में रहने वाले। जो कैसीनो बीच है, दुनिया का सबसे लंबा बीच है, दुनिया का लॉन्गेस्ट बीच कैसीनो बीच आपके इसमें ब्राज़ील में मिलेगा आपको। फिर वहाँ पे अमेजोन के जंगल हैं, तो जो नेचर प्रिय है, जो पर्यावरण को ज़्यादा प्यार करते हैं, कुदरत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोग अमेजोन ये सब का इको टूरिज्म के लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं इको टूरिज्म। तो कोई बीच देखने चले गए तो अमेजोन देखने चले गए, कोई बगीचा देखने चले गए, बगीचे को बोलते हैं ऑर्चर्ड्स। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो कॉफ़ी के बगीचे हैं उसे फजंडा कहते हैं। आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, स्पेलिंग बता रहा, फजंडा कहते हैं। तो फजंडा देखने चले गए हैं लोग। ठीक है, फिर ब्राज़ील में जो कैपिटल है ब्राज़ील की, वो कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। तो लोग ब्राज़ीलिया शहर घूमने चले जाते हैं, या जो पुरानी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, लोग वहाँ पे भी घूमने चले जाते हैं। तो ये सब घूमने वाली जगह। और एक सौ फॉलो, तो इसलिए ब्राज़ील में इन सब चीज़ होने के कारण टूरिज़्म अधिक है। फिर अब रेलवे की बात की जाए, रेलवे की, तो ब्राज़ील में जो रेलवे है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो जमीन है, अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी, इसका मतलब जमीन ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऐसा है। तो इससे में रेलवे बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जो हमारे भारत में भी ऐसी जमीन है, कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, ये सब में ऐसी जमीन है। इसलिए वहाँ पे आपको, और नेपाल में भी ऐसी कुछ है, इसके लिए आपको वहाँ पे रेलवे ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। ब्राज़ील में ऐसा सब होने के कारण इसे हाईलैंड बोलते हैं। हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड्स, दो हाईलैंड्स आपने पढ़े होंगे, एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और एक होगा गुयाना हाईलैंड्स। ये सब हाईलैंड्स उच्च भूमि बोलते हैं, ये उच्च यानी हाई और लैंड्स यानी भूमि। तो उच्च भूमि होने के कारण यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। वही हम भारत की बात करें तो भारत अधिकतर प्लेन इलाका है ना, मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे रेलवे बहुत आसानी से बन सकता है। और भारत में डेंस रेलवे नेटवर्क है, इट इज़ वन अमाउंट द डेंस रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो भारत में रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और ब्राज़ील में रेलवे इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। रेलवे रेलवे क्यों नहीं डेवलप्ड है ब्राज़ील में? क्योंकि हाईलैंड्स हैं, फिर अमेजोन के घने जंगल हैं। ये सब कारण है कि रेलवे में ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाईवे की बात की जाए तो रेलवे की बात हो गई। अगर रोडवेज की बात की जाए यानी रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, सड़क मार्ग की बात की जाए, तो ब्राज़ील में एक सबसे बड़ा हाईवे है, उसको बोलते हैं ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। क्या? ट्रांस अमेजोनियन हाईवे ब्राज़ील का सबसे बड़ा हाईवे। और भारत में स्वर्णम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्री लेटरल। क्या? गोल्डन क्वाड्री लेटरल, स्वर्णम चतुर्भुज। ये कहाँ से है? तो इसको मैटी याद रखो, मैकडोनल्ड्स याद रखते हैं ना, वैसे याद रखो मैटी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बम्बई हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई हो गया, सी फॉर चेन्नई, एल फॉर मुंबई, यहाँ पे कलकत्ता हो गया, कोलकाता, और यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया। तो ये चार बड़े बड़े महानगर को जोड़ा गया है हाईवे के द्वारा। तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्री लेटरल चतुर्भुज ना, क्योंकि चार साइड है, 1 2 3 4। तो चार साइड को चार क्लोज फिगर है, पॉलीगॉन है, और चार साइड है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। तो भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन चार बड़े बड़े सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी से जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, दिल्ली, मैकडी आपको याद रखना है। और अगर इसी की तुलना में बात की जाए तो ब्राज़ील में कौन सा है? ट्रांस अमेजोनियन हाईवे है, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, कम्युनिकेशन की यानी दूर संचार कम्युनिकेशन, तो ब्राज़ील में करीबन 45% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। ब्राज़ील में 45% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत में, इंडिया में करीबन 30% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि
भारत में तो अधिकतर लोग इस्तेमाल करें तो 30% ही है। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारी आबादी ज़्यादा होने के कारण जब सबके हिस्से में बात आती है तो ये कम पड़ता है, ठीक है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो भारत में अधिक लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन परसेंटेज में हम कम पड़ जाते हैं ब्राज़ील से, क्योंकि उनकी आबादी कम है, समझ रहे हैं। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स भी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, स्मार्टफोन यूजर्स तभी तो रियलमी ओप्पो वीवो इतना मार्केट यहाँ पर चलता है, स्मार्टफोन यूजर्स भी ज़्यादा है। और भारत में डेटा तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता अगर डेटा है तो वो भारत में है, समझदारी का। अगर आपने कोई वीडियो ब्लॉग को ब्लॉग नहीं देखा होगा जो इंडियन ब्लॉगर्स जो बाहर वहाँ जाते हैं तो उन लोग जब डेटा या सिम खरीदते हैं एयरपोर्ट के आसपास तो वे लोग बताते हैं कि डेटा 1 GB का उन लोग कितना 1000 रुपया भरते हैं। और आप लोग देखिए 150 या 200 रुपये का रिचार्ज कर लेते हो, प्रतिदिन 1 GB का आप लोग डेटा 28 दिन से यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारे इधर जो डेटा है वो काफ़ी सस्ता है, हमारे इधर जो डेटा काफ़ी सस्ता है, ठीक है। अब आते हैं स्पेस एजेंसी पे। स्पेस एजेंसी भारत में कौन सी स्पेस एजेंसी है इम्पोर्टेंट? इसरो। इसरो, ये इसरो कहाँ पे है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? बेंगलोर पे है, या बेंगलुरु बोलो या बेंगलोर बोलो, बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। उसी तरह ब्राज़ील की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है AEB, उसका नाम है AEB। एग्जाम में आ सकता है ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? AEB, इसका भी एक फुल फॉर्म है, फोन की लैंग्वेज में है तो देखते बाद में क्या है। तो AEB ब्राज़ील का स्पेस एजेंसी है और भारत का इसरो, ठीक है। चलिए, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको क्या बोलते हैं? IST। और ब्राज़ील का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको बोलते हैं BRT। क्या बोलते हैं? BRT, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और BRT बोले तो ब्राज़ीलियन टाइम, ठीक है। भारत का जो टाइम है IST वो GMT से आगे है ना, आगे बोले तो प्लस, कितना प्लस है? 5.5 घंटा। और ब्राज़ील के टाइम की अगर बात की जाए वो तो GMT से पीछे, पीछे बोले तो माइनस, कितना पीछे? 3 घंटा पीछे है, समझ मारी बात। फिर दूसरा आता है कि भारत में कितना टाइम जोन है? एक ही टाइम जोन है भारत में, एक ही टाइम जोन है, मतलब पूरे भारत में सिर्फ एक ही समय चलता है। लेकिन ब्राज़ील में कितने टाइम जोन है? 4 टाइम जोन है। ब्राज़ील में कितने टाइम जोन है? 4 टाइम जोन है। तो भारत का जो एक टाइम जोन है, ब्राज़ील का कितना टाइम जोन है? 4 टाइम जोन है। और भारत का ईस्ट, ये समझो इंडिया है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, जो वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितने घंटे का फर्क आता है? 2 घंटे का फर्क आता है, यानी 120 मिनट का फर्क आता है, 120 मिनट्स का फर्क आता है। और ये ब्राज़ील में अगर बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 168 मिनट्स का फर्क आता है, यानी 2 घंटा प्लस 48 मिनट्स। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था कि ब्राज़ील का ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ब्राज़ील ऐसे में ब्राज़ील इंडिया से बड़ा है, ब्राज़ील ऐसा बड़ा है। और ऐसे में बात की जाए तो इंडिया बड़ा है ना, इंडिया नॉर्थ टू साउथ बात की जाए तो इंडिया की दूरी ज़्यादा है, और वेस्ट टू ईस्ट बात की जाए तो ब्राज़ील की दूरी ज़्यादा है। इसके लिए ब्राज़ील में ये समय की दूरी भी ज़्यादा है, ये 168 मिनट्स की दूरी है। मतलब यहाँ के पॉइंट और यहाँ के टाइम में आप अंतर देखोगे तो 168 मिनट, यानी 2 घंटा 48 मिनट का अंतर है। और इधर बात की जाए तो 120 मिनट का अंतर है, डिफरेंस है। और फिर भारत और इंडिया का टाइम ब्राज़ील से 8.5 घंटा आगे है और ब्राज़ील का टाइम इंडिया से 8.5 घंटा पीछे है, ओके। और भारत का जो एक टाइम जोन है, ये टाइम जोन कहाँ से जाता है? भारत का ये जो टाइम जोन है कहाँ से जाता है? ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड, यहाँ से जाता है। और ये जगह कहाँ है ग्राउंड पे? ये जगह मिर्ज़ापुर के आसपास है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर कहाँ? इलाहाबाद के आसपास है। इलाहाबाद को आप लोग अभी क्या करते हैं? प्रयागराज के आसपास है, ठीक है। प्रयागराज के आसपास मिर्ज़ापुर है, वहीं पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड की लाइन वहाँ से जाती है, जिसको हमने भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला है। अभी बात समझ में? अब इसी से एक बात आप समझ लो, कभी आप गांव गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ 6 बजे ही सुबह हो जाता है। और जब आप गांव से बॉम्बे आते हो तो आप देखते हो कि नहीं यार, इधर तो 7 बजे तक सुबह हो रहा है। होता है ना ऐसा फर्क? क्यों? क्योंकि हमारा जो ईस्ट साइड है और जो एकदम वेस्ट साइड है, उन दोनों में 120 मिनट यानी 2 घंटे का फर्क है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें, चाहे UP हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, ये साइड की बात करें तो लगभग मिडल में आ गया, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ेगा ना। 1 घंटा वो और बॉम्बे आपका वेस्ट में पकड़ लो तो 1 घंटे का अंतर होता है। इसलिए वहाँ पे 6 बजे सुबह जाती है, यहाँ पे 7 बजे सुबह होती है, समझ में आ रही है।
लेकिन पूरे भारत में एक ही टाइम को फॉलो करना है, इसलिए वहाँ भी 6 बजा तो यहाँ भी 6 बजा ही माना जाता है। लेकिन अगर आप महसूस करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि वहाँ के 6 बजे उजाला हो जाता है, यहाँ पे 6 बजे उजाला नहीं होता है। वहाँ के गांव में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे 6 बजे अंधेरा नहीं होता, यहाँ पे 7 बजे अंधेरा होता है। क्यों? अगेन 1 घंटे का फर्क है ना। तो इसके लिए जो ईस्टर्न मोस्ट हमारे स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, वो लोग मतलब गवर्नमेंट से ऐसा बोल रहे हैं कि डे टाइम बचाने के लिए भारत में भी, जैसे ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है, वैसे भारत में भी टाइम जोन को इंक्रीज़ किया जाए, है ना। अब कैसे इसमें बचत होगी? जैसे वहाँ के लोग, वहाँ अगर 5 बजे उजाला हो जा रहा है, लेकिन जब 10 बजेगा तभी ऑफिस टाइम होगा, लेकिन जब 10 बजेगा तो एक्चुअली उनके इधर 12 बज चुकेगा, बरबर। तो लोग पीछे हो जाते हैं ना, उन लोग उनके इधर अंधेरा होने लगता है, क्योंकि वो 2 घंटे का जो बिजली की बचत हो सकती है। तो ये सब डे टाइम लाइट सेविंग होता है, मोबाइल में सेटिंग भी होता है, वैसे कुछ इसमें करने की मांग चल रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है, भारत में 1 टाइम जोन है। ब्राज़ील का ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट के बीच में 168 मिनट्स का डिफरेंस है, और इंडिया में 120 मिनट्स का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है वो 3,000 4 1 मिनट ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है वो 7,400 किलोमीटर है, भारत का 7,500 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो अमेजोन नदी है, अमेजोन नदी का जो अधिक पार्ट है, ये अमेजोन नदी का जो मेजर पार्ट है, उसमें से शिप्स वगैरह जा सकती है। इसको बोलते हैं नेविगेबल, यानी इसमें नेविगेशन होता है, यहाँ शिप्स वगैरह जा सकती है। तो कहाँ तक जाती है? अमेजोन नदी जहाँ ख़त्म होती है उसको बोला माउथ माओ, और ये कहाँ से चालू होता है? पेरू से। कहाँ चालू होता है? पेरू, कंट्री का नाम है पेरू में, क्या इक्विटस, इक्विटस नाम की जगह है, वहाँ से शिप वगैरह इसमें जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक पूरा जा सकती है। ये कितना दूरी पड़ता है? 3,700 किलोमीटर। कितना? 3,700 किलोमीटर। इतनी दूरी में शिप अमेजोन नदी में, अमेजोन की रिवर में नेविगेशन होता है। ये काफ़ी लंबा है, हाँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल बेस पे भी नेविगेशन होता है, सामान का एक जगह से दूसरी जगह। फ्रीट ऑपरेशन ज़्यादा होता है, फ्रीट ऑपरेशन इसमें से ज़्यादा होता है। मर्चेंट डेली होते हैं ना, इसमें मर्चेंट ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ब्राज़ील में कौन सी नदी है जो साउथ की तरफ बहती है। जैसे ये ब्राज़ील समझ लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो साउथ की तरफ कौन सी नदी बहती है? इसका नाम है पराना नदी, PARANA, पराना नदी। पराना नदी साउथ की तरफ बहती है। फिर ब्राज़ील में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 4 टाइम जोन है, तो ईस्ट और वेस्ट ये दो टाइम जोन के बीच में जो डिफरेंस है, उसने हमने हमने देखा था कितना है, 168 मिनट्स, 2 घंटा 48 मिनट्स का डिफरेंस है। तो जो ईस्ट में जो पॉइंट है, जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, उसका नाम है पेंटा, पेंटा दो सिक्सास पेराइबा, पेराइबा। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है नेसेंट, नेसेंट दो रियो मोआ। समझ मारी बात? तो एग्जाम में आ सकता है जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ब्राज़ील का वो क्या है, नेसेंट दो रियो मोआ। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, पेंटाडो सिक्सास पैराबा। ओके, अभी देखते हैं इसमें जो स्पेस एजेंसी का आपको फुल फॉर्म बताना था, ए भी ना, उसका फुल फॉर्म है एजेंसिया। तो ये नहीं आ गया, मतलब खाली आपको एक बताने के लिए, एजेंसिया स्पेशियल, स्पेशियल ब्राज़ीलिया, मतलब उनका लैंग्वेज है। ठीक है, ए भी, जैसे हमारा इसरो वैसे उनका गूगल। ठीक है, नेक्स्ट। तो 4 टाइम जोन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमने देख लिया। ठीक है, भारत में जो वाटरवेज है ना, खाली 1% ही डेवलप है, मतलब भारत सरकार इस पर जोर दे रही है। और मैंने यहाँ तक भी आर्टिकल पढ़ा था कि सभी रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनलैंड नेविगेशन, यानी नदी से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो धीरे तो जाता है, लेकिन कम भाव में जाता है, यानी खर्चा कम लगता है, तो माल सस्ता हो सकता है। ठीक है, और दुनिया भर में जो व्यापार होता है वो अधिकतर कहाँ से होता है? समुद्र से होता है।
अगर हवाई जहाज के माध्यम से होगा तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। फिर भारत में जो एयरवेज है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, भारत में हवाई अड्डे भी ज़्यादा है और हवाई यात्रा काफ़ी सस्ता भी है भारत में, ठीक है। अब भारत में जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो वेस्टर्न मोस्ट है, देखो वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे वेस्ट में कौन सा राज्य है गुजरात, सबसे ईस्ट में कौन सा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा ईस्ट में है और गुजरात सबसे ज़्यादा वेस्ट में है, ठीक है। फिर ये जो लाइन जाती है, हमने देखा था अभी ना मिर्ज़ापुर से जो लाइन जाती है ऐसे, ये लाइन ये कौन सी डिग्री की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की, कहाँ से जाती है मिर्ज़ापुर के करीब जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। फिर भारत का अगर मैप देखते हैं और तो ईस्ट से वेस्ट जो डिस्टेंस है यानी ये नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस, नॉर्थ से लेकर साउथ, आपको पता है ना नॉर्थ से साउथ ब्राज़ील के मुकाबले भारत ज़्यादा नॉर्थ से साउथ में चौड़ा है और ईस्ट से वेस्ट में ब्राज़ील चौड़ा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है ये कितना पड़ता है, ये 3200 किलोमीटर पड़ेगा, 3200 किलोमीटर। और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये जो दूरी पड़ती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये पड़ती है 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कोस्ट लाइन याद रखना है 7400 किलोमीटर ब्राज़ील का, 7500 किलोमीटर आपका इंडिया का, 7500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस में 3200 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इंडिया का है और ईस्ट टू वेस्ट है 3000 किलोमीटर है, समझ में आएगा। और जो अमेजॉन नदी में जो दूरी है वो कितना है 3700 किलोमीटर, तो 3700 किलोमीटर है, अंडरस्टूड। तो इस तरह हमारा 9th चैप्टर में जो भी क्वेश्चन सीईटी के लिए बन सकते थे हमने देख लिया। इसके बाद अगर एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो आपने देखा, उसकी लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।